वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी चैप्टर फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये है उस वीडियो का पार्ट 7। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। लेट्स स्टार्ट इट। पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। हमने अब तक सारी वीडियो में यही पढ़ा कि ब्रिटिश रूल का जो इम्पैक्ट था वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, हर सेक्टर के अंदर नेगेटिव था। बट क्या कोई ऐसा इम्पैक्ट था जो पॉजिटिव था? यस, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे ब्रिटिश रूल के इंडिया में। सबसे पहला पॉइंट, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन। ब्रिटिशर्स के आने से इंडियन जो किसान थे, इंडियन जो फार्मर्स थे, उनका जो माइंडसेट था वो चेंज हो गया। अब वो प्रोड्यूस कर रहे थे मार्केट के लिए, खुद के लिए भी और मार्केट के लिए भी, जिससे कि जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया। फार्मर स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग टू मार्केट। ये केवल देखा गया जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, उसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट, बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे, रोड, कम्युनिकेशन वर इंट्रोड्यूस्ड। चाहे वो रेलवे की बात कीजिए, रोड का चैनल बनाना हो या कम्युनिकेशन स्टार्ट करना हो, डाक तार जो सेवाएं थी वो, ये सभी की सभी ब्रिटिशर्स के आने के बाद शुरू हुई, जिससे कि भारत में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हुआ। पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेरी इजीली। थर्ड पॉइंट, चेक ऑन फेमाइन। इसी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का एक और पॉजिटिव इंपैक्ट आया कि जिन जिन एरिया के अंदर ड्रॉट या फेमाइन था, स्पेशली बंगाल में हो या सेंट्रल इंडिया में हो, वहां पर इन्हीं रेलवे या रोड ट्रांसपोर्ट का यूज करके फूड ग्रेन्स को आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस, यानी कि अफेक्टेड प्लेस तक पहुंचा सकते थे। फोर्थ पॉइंट, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। चेंज फ्रॉम कॉमोडिटी इकोनॉमी टू मॉनेटरी। ये कॉमोडिटी बार्टर सिस्टम होता है। ब्रिटिशर्स के आने के बाद भारत में एक बहुत बड़ा चेंज आया कि बार्टर सिस्टम, जिसमें आप कॉमोडिटी दीजिए और दूसरी कॉमोडिटी एक्सचेंज में लीजिए, ये सिस्टम बदल दिया गया और मॉनेटरी यानी कि करेंसी सिस्टम को शुरू किया गया। तो करेंसी सिस्टम या मॉनेटरी सिस्टम को लाने का सबसे बड़ा जो क्रेडिट है, इट गोज टू ब्रिटिशर्स। लास्ट पॉइंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। हम जानते हैं कि बंच ऑफ जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत में आए थे और इतने बड़े नेशन को कैसे ऑक्यूपाई कर लिया, और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि उनका पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरह से काम करता था। यही बात भारत के लोगों ने भी सीखी। व्हेन वी गेन इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम आज भी बंच ऑफ पुलिस से पूरे देश को चला रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में बहुत आसान है जानना इसको। सबसे पहला, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। फार्मर्स का आउटसाइड जो था, पॉइंट ऑफ व्यू जो था, वो चेंज हो गया मार्केटेबल। बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे रोड के आने से ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ। पीपल स्टार्टेड मूविंग वन प्लेस टू अनदर। चेक ऑन फेमाइन, रेलवे रोड की हेल्प से अफेक्टेड एरिया तक फूड सप्लाई को पहुंचाना। शिफ्ट टू मॉनेटरी सिस्टम, बार्टर सिस्टम एंडेड एंड मॉनेटरी सिस्टम स्टार्टेड ड्यू टू ब्रिटिशर्स। लास्ट पॉइंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वॉज ऑल्सो पॉजिटिव टू द इंडियंस। थैंक यू।